बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट 3 कर रहे हैं, फोर्स एंड डायनेमिक्स। आज हम उसमें करेंगे मास एंड वेट। जनरली मास एंड वेट आर कंसिडर्ड सिमिलर क्वांटिटीज़। आम तौर पर मास और वज़न को एक जैसी मकदारें समझा जाता है। उर्दू में मास को कमियत भी कहते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, ये दोनों अलहदा अलहदा मकदारें हैं। आए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ मास इन अ बॉडी इज़ द सेम वेयर एवर यू आर। मास मादे की मकदार को कहते हैं और मास जगह तब्दील करने से तब्दील नहीं होता। हाउ इज़ मास मेजर्ड? मास इज़ मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस से मास को मापा जाता है। मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स और इसको किलोग्राम में मापा जाता है। वेट इज़ अनदर वर्ड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वज़न कशिश सकल का दूसरा नाम है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल असरअंदाज होती है उसको वज़न कहते हैं। वी कैन कैलकुलेट वेट। टू कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मल्टीप्लाई द ऑब्जेक्ट्स मास बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेयर एवर यू आर। W is equal to is weight is equal to mg. M is the mass of the object and g is the gravitational acceleration. Mass in kg and acceleration in meter per second square. The gravitational field strength on Earth is around 10 newton per kg. What is your weight if your mass is 45 kg? तो 45 kg into 10 is equal to 850 newtons. The units of weight are newton. Mass is a measure of the amount of material an object is made of. It is measured in kilograms. Mass किसी जिस्म में मादे की मकदार है, इसे किलोग्राम में मापा जाता है. Weight is the force of gravity on an object. वज़न कशिश सकल की ताकत है. इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स और वेट को न्यूटन में मापा जाता है। हाउ द वेट इज़ मेजर्ड? वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, बाथरूम स्केल सेट्रा। आपने डिफरेंट बैलेंस देखे होंगे जिससे वेट को मेजर किया जाता है। शॉपकीपर्स के पास होते हैं, हम बाथरूम में अपना वेट मेजर करते हैं। लेकिन एक बैलेंस होगा क़यामत वाले दिन जिसमें गुड डीड्स तोले जाएंगे। तो असल कामयाबी वो है जो आखरत में कामयाब हो गया। अब ये कि गुड डीड्स कौन से हैं, वो अच्छे सारे अच्छे अमाल हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें बताए और कुरान मजीद में हैं, जैसे सीधे रास्ते पर चलना, हमेशा सच बोलना, किसी को तकलीफ ना देना। तो और भी बहुत सारे हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और अपने नबी की सुन्नत को की पैरवी करेंगे, क्योंकि हम हर वो काम जो सुन्नत के मुताबिक करते हैं हमें उस पर बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होने के लिए तर्जुमे से कुरान मजीद पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएँ। The amount of matter in a body is called mass. This is same wherever you are. इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये स्केलर क्वान्टिटी है। और वेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल्स ऑन योर मास, इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी। फॉर एग्जाम्पल, सेम मास हैज़ डिफरेंट वेट्स। एक ही मास का ऑब्जेक्ट जो है उसके वजन मुख्तलिफ होंगे ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर।
क्योंकि अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है और जो मून है उसके ऊपर 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। माय वेट ऑन अर्थ इज़ अराउंड 560 न्यूटन और माय वेट ऑन द मून इज़ अराउंड 90 न्यूटन। माय मास इज़ ऑलवेज 56 केजी। तो ये मास एक है लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से फ़र्क हो जाता है। डिड यू नो दैट, क्या आप जानते हैं, द मून हैज़ लेस मास देन अर्थ। मून का मास जो है चांद का वो अर्थ से कम है। देयरफॉर द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज ओनली अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। इसलिए जो ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ अर्थ है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर और वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मादे की मकदार जो है वो मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट है। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल पुल। अब हम देखते हैं कि मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स और वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स इन SI यूनिट्स। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मास मेजर्ड विद द बीम बैलेंस और वेट मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।